साथियों, आज हम फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन का एक विषय है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का जो पहली यूनिट होती है किसी भी सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन की सारी शिक्षा में, वो होती है उसका हेल्थ एजुकेशन का मीनिंग क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। और आगे अगर किसी साथी को किसी प्रकार की PDF है फिजिकल एजुकेशन में, किसी भी टॉपिक को में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन में कि हेल्थ एजुकेशन क्या है इसके बारे में। तो जो परिवार ने जो पेपर हुए हैं आप उनसे संबंधित हैं, जैसे हम फिजिकल एजुकेशन से विभिन्न प्रकार के जो कोर्स यूनिवर्सिटीज़ वगैरह करवा रही हैं उनसे संबंधित है। फिजिकल एजुकेशन के बारे में हम आपको बात करेंगे। जैसे आज का टॉपिक हमारा हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के विषय में हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन में स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का किस जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है, और हाल ही में से किस नाम से जाना जाता है, और वर्तमान समय में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन हमारा फिजिकल एजुकेशन में लैटिन भाषा के जो हाल शब्द है उससे लिया गया, अर्थात हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। जैसे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, कंपिटेटिव एग्जाम में तो आपसे पूछा जाएगा कि हेल्थ एजुकेशन में हेल्थ शब्द किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, तो उसका कौन सा शब्द से लिया गया है, HL हाल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ का मतलब फिजिकल एजुकेशन में जिसका अर्थ होता है स्वच्छता, क्लीनलाइननेस, ठीक है। और इसमें हेल्थ शब्द में स्वस्थता की दिशा में कंडीशंस ऑफ बीइंग ऑफ हाल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, तथा इसका अर्थ स्वच्छता के संदर्भ में निरोगता से लिया गया है। और सामान्यतः स्वास्थ्य का अर्थ इसका स्वास्थ्य के प्रति किस दिशा में शरीर, उसके मस्तिष्क, उसमें फिजिकल एजुकेशन में और किस प्रकार से एक जो फिजिकल का स्टूडेंट होता है वो किस प्रकार से अपने शरीर का मेंटेनेंस रखता है, या मानव का शरीर और मस्तिष्क किस प्रकार से सुचारू रूप से जो कार्य करते हैं इसके बारे में विषय में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन में इसमें यह बताया गया हेल्थ एजुकेशन से ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हाल विच इज द मीनिंग ऑफ क्लीननेस, और हेल्थ इज द आफ्टर टेकन ऑफ द ग्रेंटेड दैट्स द वैल्यू इज नॉट फुली अंडरस्टैंड बाई फिजिकल एजुकेशन के जो साथी हैं हिंदी माध्यम के हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें बताया गया, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछी जाए, अंग्रेजी माध्यम वाले के लिए तो बहुत सारी बुकें हैं, हिंदी माध्यम वाले के लिए सबसे बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है, क्योंकि हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए इनसफिशियंट सिलेबस है, यूट्यूब वगैरह पे मिलता भी नहीं है। तो सबसे बात पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य, देखिए बड़ी परिभाषा दी है एग्जाम में, बहुत बार पूछी गई है, स्वास्थ्य रोग या निर्बलता एकमात्र अभाव नहीं है वरन शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था होती है। WHO ने कहा कि स्वास्थ्य रोग या निर्बलता एकमात्र अभाव नहीं है वरन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक की पूर्ण अवस्था होती है। और अब हम बात करेंगे कि हेल्थ एजुकेशन में, हेल्थ एजुकेशन वह शिक्षा है जिससे व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और प्रभाव करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण जानकारी उसे पहले हो जाती है तो वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता, और अपने जो उसे क्या खाना है, कितना आराम व्यायाम करना है, कितना आराम करना है, नींद कितने लेने, चिंता रहित रहना चाहिए, अच्छा भोजन खाना चाहिए, मादक पदार्थों से सेवन से धूम्रपान आदि से बचना चाहिए, और समय समय पर हाथों पैरों की स्वच्छता पर विशेषता पर ध्यान रखना चाहिए, गंदे हाथ आँखों कान नाक त्वचा नाखून आदि बालों को विशेष तौर पर सफाई पर ध्यान देना चाहिए। एक मतलब ये होता है हेल्थ एजुकेशन जो होती है वो एजुकेशन जो फिजिकल एजुकेशन के साथी हैं उनके लिए तो है इम्पोर्टेंट, जो अन्य जो साथी हैं, अन्य जो व्यक्ति हैं आम जीवन में, उन्हें सभी प्रकार से अपने किस प्रकार के लिए वो उसे बचा जा सकता है, ये सब बातें हेल्थ एजुकेशन में आती हैं। जैसे शरीर के कोरोना काल में हम सब ने देखा हुआ कि हैंड वॉश, कोरोना काल में आपने हाथ धोने चाहिए,
बार बार किस प्रकार साबुन से बचना चाहिए, और जैसे हम बात करें आँख कान है, अपने आँखों की सफाई, बालों की सफाई, और भाई समय से जैसे हम बात करते हैं कि आँखों को दो से तीन बार भी ठंडे पानी से छप के आँखों में लगानी चाहिए, ताकि उसमें आँखों को कुछ ठंडक महसूस होता है, कुछ में धूल जो धूल मिट्टी वगैरह चले जाए वो साफ़ हो जाती है। बाकी अब तो और ज़्यादा अब बात करें 3 से 4 से 5 बार भी करना चाहिए, क्योंकि जो साथी डली आजकल मोबाइल का यूज़ भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लगभग सामान्य व्यक्ति भी 8 से हम बात करते हैं कोई व्यक्ति लगा जो मोटा फ़ोन रखता है, एंड्रॉयड फ़ोन रखता है, 6 से 8 घंटे मोबाइल पर ही रहता है, ठीक है, और एक मोबाइल का हैबिट बन चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और नींद, और भैया हमें नींद की बात है भाई, कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में नींद बहुत लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है भाई। कई कई लोग इससे कम नींद लेते हैं, जिससे क्या होगी अनिंद्रा होने के जो रोग से हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन यापन करने के लिए, जैसे हेल्थ एजुकेशन में बताया गया कि हेल्थ एजुकेशन में कि जो सेवन करने से, जैसे दारू का सेवन है, बीड़ी सिगरेट का सेवन जो सेवन है उससे बचना चाहिए भाई। और भोजन में संतुलित भोजन लेना बहुत ज़रूरी है मनुष्य से। सुबह की शुरुआत हम गुनगुने पानी से कर सकते हैं, और गुनगुने पानी से हमारे स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम कोई फ्रूट्स वगैरह, जैसे हम सुबह जो पहला आहार होगा कोई फ्रूट हो, जैसे हम बात करते हैं केला है या कोई लिक्विड है जैसे कोई जूस वगैरह है। उसके बाद दोपहर में अच्छे से खाना खाना चाहिए, शाम को लाइट भोजन लेना चाहिए। ये बहुत सारी जो दिनचर्या हैं हमारे शरीर में जो हमारे प्रति जागरूक, शरीर के प्रति जागरूक रहती हैं, वही हम बात करते हैं। इसका जो उद्देश्य है, एम ऑब्जेक्टिव है, उसके क्या है, इसकी किस प्रकार देखो हेल्थ एजुकेशन में किस प्रकार से रोगों को दूर करने, विषयों को किस प्रकार नियंत्रण करने के लिए, अर्थात यूँ कहें भाई फिजिकल एजुकेशन में संयोगों का नियंत्रण करने के लिए सारी शिक्षा में स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा योगदान है। इसका उद्देश्य क्या भाई, सबसे मेरा भाई उद्देश्य एक चीज़ हो, किसी चीज़ बनाने का उद्देश्य ये है कि उसमें उद्देश्य में फिजिकल एजुकेशन में उसका क्या योगदान है भाई, उसका हेल्थ का शारीरिक से स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पॉइंट था हमारा कि हेल्थ स्वास्थ्य एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य लोगों की जो अपनी प्रतिदिन क्रियाएं हैं और तुम्हें परिवर्तन ला करके अर्जन करना था, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूकता उत्पन्न करना, आदतों के प्रति परिवर्तन करना, तथा अज्ञान अग्रो गलतफहमियों को जो ऊपर उठकर स्वास्थ्य में रहन सहन के लिए अग्रसर रहना, अर्थात ये कहें कि जो मनुष्य हैं अपने संबंधित आदतों प्रवृत्तियों को ज्ञान में डालना ही स्वास्थ्य की शिक्षा का उद्देश्य है। जन जन तक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी पहुँचाना और लोगों को जानकारी का लाभ उठाएँ तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें भाई। ये इम्पोर्टेंट थिंग है भाई। इसके बारे में हमने बताया कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या होती है और उसके उद्देश्य क्या होते हैं। सामान्य तौर पर हम उद्देश्य की बात करें तो फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के हेल्थ एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति जो फिजिकल का विषय है, छात्र है या नहीं है, जैसे कॉमर्स साइंस किसी भी बैकग्राउंड को जो होना मनुष्य होना चाहिए, उसे खान पीने पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, उसका स्वास्थ्य अपने समय समय मेडिकल चेकअप वगैरह करवाना चाहिए, दांतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कान नाक साफ सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि खुद बीमार वगैरह न पड़ सके भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है हम बात करें कि स्वास्थ्य शिक्षा है उसके उन्नयन के लिए निम्न विशेष बात पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए जो स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन में ध्यान रखने बात है, प्रतिरक्षणकरण से सो छोटा बालक होता है, बाल अवस्था तक काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टाइफाइड, जोर के टिक्के अवश्य लगवाने चाहिए। जो छोटे छोटे बालक हों भाई, 2-4 महीने के 1-2 साल के हैं, उसके पोलियो, टाइफाइड या निरोधी टिक्के अवश्य लगाने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें परिवार नियोजन, बच्चे के जन्म के अंतर रखने के लिए परिवार नियोजन डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए, अर्थात यूँ कहूँ कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए, कम से कम अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। एक के आजकल महंगाई मत भाई, आजकल एक का ही खर्चा पड़ना मुश्किल हो रहा है क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो उसमें जो दोनों पहला और दूसरा बच्चे का जो बीच का जो अंतर है कम से कम 3 साल का होना चाहिए, अर्थात जो फर्स्ट बच्चा स्कूल में जाने लग जाए, जब दूसरा बच्चा प्लान करो ना तो अब देखते सफ़र करो भाई, क्योंकि अब हरियाणा राजस्थान में हम बात करें और पंजाब में लगा लीजिए, अब लड़कियों की तो समस्या गंभीर हो रही है और शादी का नाम तो
हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोषण के लिए संतुलित आहार लेना ज़रूरी है। एक स्वस्थ अपने को मेंटेन करने के लिए पोषण आहार लेना बहुत ज़रूरी, ताकि भाई किस प्रकार से हम अपना आहार लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य को नियंत्रण करने के लिए 40 साल की उम्र के जो के ऊपर देखिए जो बच्चे हैं और 40 साल के ऊपर के जो यंगेस्ट जो मतलब 40 साल से ऊपर के जो साथी हमारे विशेष तौर पर उन्हें अपने स्वास्थ्य के रूप में भाई वर्ष में एक बार जांच संपूर्ण शरीर की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। भाई 1500 रुपया 2000 रुपये ले लें उसको कोई बड़ी बात को नहीं, पर संपूर्ण जानकारी जाँच होना अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, इसका महत्व क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल एजुकेशन में हेल्थ एजुकेशन का क्या महत्व है, ये सामान्य जीवन में उसका हेल्थ एजुकेशन का क्या महत्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन जो सामान्य व्यक्ति है या प्रत्येक व्यक्ति को के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एजुकेशन एक शारीरिक शिक्षा का एक विषय है। लोग हेल्थ एजुकेशन को मजाक में ले लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन कोई विषय है, परंतु हम ये कहते हैं फिजिकल एजुकेशन प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में काम आने वाली एक चीज़ है। हेल्थ एजुकेशन सुबह से लेकर सुबह का जो नाश्ता होता है गुनगुने पानी से लेकर और रात के खाने तक की ही पूरी जो प्रक्रिया हेल्थ एजुकेशन से होते हैं। जो फिजिकल एजुकेशन के जो साथी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें पता होता है किस प्रकार से हम क्या चीज़ लेनी चाहिए क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं हेल्थ एजुकेशन में। हेल्थ एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है। हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अन्य जो टॉपिक आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।